पटना से सामने आ रही हैं। रोहतक से सामने आई ये खबर जहां पर पंडित बीडी शर्मा पीजीआईएमएस के डेंटल कॉलेज में फर्स्ट ईयर की छात्रा ने एनाटॉमी विभाग के डॉक्टर पर किडनैपिंग के बाद मारपीट का आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर जिसके सामने आने के बाद कई तरह के सवाल अब उठ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि जानकारी मिल रही है बीडी शर्मा कॉलेज के छात्र कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथी हैवानियत का विरोध कर रहे हैं और इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनके कॉलेज की लड़कियां खुद ही सेफ नहीं हैं। पुलिस ने आरोपी को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है, अब आरोपी से पूछताछ भी की जाएगी। बीडी शर्मा अस्पताल का ये पूरा का पूरा मामला। मेरा नाम प्राची है, मैं बीडीएस फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ पीजीआई रोहतक में। मेरे साथ 7 महीने से टॉर्चर हो रहा है फैकल्टी से, जिनका नाम है डॉक्टर मनिंदर कौशिक, एनाटॉमी फर्स्ट ईयर पीजी एमडी कर रहे हैं वो। यहाँ से 7 महीने से वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। जब जब उन्हें बोलती हूँ कि मेरे को उनके साथ नहीं रहना है तो मेरे को वो मारते हैं, मेरे को टॉर्चर करते हैं, मेरा सामान ले लेते हैं, कहते हैं तेरी अटेंडेंस शॉर्ट कर दूंगा, तेरे को पेपर में नहीं बैठने दूंगा, इंटरनल शॉर्ट कर दूंगा। तो अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, क्या हालात देश में बने हुए हैं जरा देखिए। कैसे कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर का रेप होता है, उसके बाद उसका मर्डर कर दिया जाता है, उसके बाद देश में उबाल है। रोहतक और जबलपुर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। सवाल ये है कि आखिर इन दरिंदों की सजा क्या होगी। मनोज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसी सबक, ऐसी सजा मिले कि ऐसी घटनाएं रुक जाएं। बिल्कुल, देखिए रोहतक का जो मामला है बेहद हैरान करने वाला है। जब पूरे देश में डॉक्टरों की, मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा को लेकर आवाजें उठ रही हैं, आंदोलन हो रहा है, तो रोहतक में आप देखिए पीजीआई में जो कुछ हुआ, इसमें कोई आउटसाइडर नहीं है, कोई बाहरी शख्स नहीं है जिसने ये इस घटना को अंजाम दिया है। ये बाकायदा टीचर है और इस छात्रा को ये पढ़ाता है वहां पर, और जब खुद अपने ही सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए तो कोई क्या करेगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और आप देखिए एक दो दिन की बात नहीं है, पिछले 7 महीने से जैसा कि पीड़िता कह रही है कि उसको परेशान किया जा रहा था, और पिछले 2 दिन 16 और 17 अगस्त के 2 दिन जो हुए हैं इसमें सबसे ज्यादा मारपीट की गई है, और उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर जो चोट का निशान है वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उसको फिजिकली असॉल्ट किया गया है, मानसिक रूप से भी उसको चोट पहुंचाई गई है, और यहां तक की धमकी दी गई कि एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। बहरहाल एफआईआर हो गई है, मनिंदर कौशिक को रोहतक से ही देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है और कुछ ही देर बाद उसे रोहतक जिला अदालत में पेश भी किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, आपने जो जानकारी हम तक पहुंचाई है उसके लिए।